जय भोलेनाथ। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ चुके हैं वाराणसी। हम लोग कल रात को ही यहाँ पर वाराणसी पहुँच चुके थे और कल रूम पर रह गए थे और आज निकल गए हैं गंगा घाट की ओर। और आप लोग वीडियो में बने रहे, आप लोग को सारा कुछ दिखाएंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम लोग गंगा घाट के किनारे आ चुके हैं। हम लोग गंगा स्नान कर चुके हैं और यहीं पर स्नान किए थे और यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। आपको सारा वीडियो दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहें। हम लोग काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार ये कॉरिडोर रहा इस प्रकार, और हम आगे की ओर जा रहे हैं। हम दोनों प्रसाद ले चुके हैं और जाएंगे दर्शन करने के लिए। और
गाइस हम लोग काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं ये भीड़ बढ़िया सामने रहा जो मंदिर है और पूजा वूजा कर लिए हैं। पूजा करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं खाने की ओर। कुछ खाना खाएंगे, सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है। कुछ खाना खाएंगे और खाने के बाद हम लोग जाएंगे सेंटर पर और सेंटर पर जाके एग्ज़ाम 3 बजे से एग्ज़ाम है और पहुंचना है 2:15 से इंट्री स्टार्ट है। चलो बाबा का दर्शन कर ही लिया। काशी विश्वनाथ यहाँ का सबसे बहुत रास्ता। हाँ गाइज हम लोग बाहर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये गेट रहा, मेन गेट रहा और ये किनारे यहाँ पर मणिकर्णिका घाट है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पर लाश को जलाया जाता है। तो ये जस्ट नदी के किनारे है। देख सकते हैं यहाँ पर शाम को संध्या आरती होता है और ये देखिए कुछ इस तरह से लाइट से सजाया गया है। तो गाइस हम लोग अब वापस लौट रहे हैं बनारस की गलियों में। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार की ये गली है और सभी का जो महल है या घर है सभी एक ही कलर का आपको दिखाई देगा। हम लोग खाने की खोज में भी हैं, बहुत जोर से भूख लग चुका है और आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार जितना भी आपको घर दिखाई दे रहा होगा सभी एक ही कलर का दिखाई दे रहा होगा। और आप यहाँ पर भीड़ भी लगभग सुबह से कम गई है, सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ था और अभी कम चुका है। आप लोग को पीछे का थोड़ा सा बनारस की गलियों का सैर कराते हैं पीछे के कैमरे से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ के हर गलियों से वाकिफ करा सकते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक भक्तिमय है, भोले की भक्ति में यहाँ के लोग डूबे हुए हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद मन मुग्ध हो जाते हैं और यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं करता है। तो फाइनली अब हम लोग बनारस गंगा घाट से दर्शन करके आ चुके हैं और अब एग्जाम सेंटर का समय हो गया है और 2 बजने वाला है। जल्द ही हम लोग का एंट्री लेगा एग्ज़ाम सेंटर में और इसका परीक्षा चल रहा है, इसी का एग्ज़ाम है और अपना सेंटर पे जाएगा समय से। इसको छोड़ देंगे फिर आगे का प्लान आप जब तक वीडियो में बने रहे और तो हम कुछ देर में सेंटर की ओर जाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, इसके बाद निकल के घर की ओर जाएंगे। तो फाइनली गाइज हम लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं और एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन की ओर और ये हम टोटो से जा रहे हैं। वीडियो है पर आप लोग को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।